धन्यवाद संचालक जी, मंच पर उपस्थित विशिष्टजन और सामने सभागार में उपस्थित सभी प्राध्यापक बंधु भगिनी, आज आप सबका गुरु वंदन एवं अमृत महोत्सव का कार्यक्रम है और इसका जो विचार विषय दिया, वैचारिक विषय, इंडिया से भारत की ओर, विषय लंबा है, बहुत सारे पहलू हैं और समय भी बहुत खिंच गया है और वक्ता भी अभी कम नहीं हुए, अभी तो शुरू ही हुए हैं, तो मैं एक दो बात कह करके आप सबसे विनम्र निवेदन करके अपनी बात को पूरी करूंगा कि जो गुरु वंदन का कार्यक्रम है, अमृत महोत्सव का कार्यक्रम है या इंडिया से भारत की ओर की वैचारिकी है, ये कोई अलग अलग विषय है नहीं, यह मूलतः एक ही पथ के मील के पत्थर है। जब हम गुरु की बात करते हैं तो हमारे यहां एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी रचना की बात की जाती है जिसमें गुरु और शिष्य दोनों के बीच की जो अंतरक्रिया है उसमें एक संवेदनशीलता होती है, एक आत्मीयता होती है और जो सबसे बड़ी बात है कि उसमें एक आध्यात्मिक चेतना होती है। हम जब शिष्य से जुड़ते हैं, हमारे यहाँ बड़ी कह सकते हैं कि उच्च कोटि की प्रक्रिया रही है, हमारे यहाँ शिष्य के चयन की प्रक्रिया रही है तो उसके साथ साथ गुरु के चयन की भी प्रक्रिया रही है। शिष्य परीक्षा देता रहा है तो गुरु भी परीक्षा देता रहा है। इस पूरी प्रक्रिया से इसका विकास हुआ है। आज के इस कार्यक्रम के दिन जब हम इंडिया और भारत, इंडिया से भारत की ओर की बात कर रहे हैं तो कहीं न कहीं से हम सब के मन में इस अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में उन्हीं मान बिंदुओं को स्पर्श करने का मामला है। आज हम कह रहे हैं कि लर्निंग बाय डूइंग, और एक और बात है जो हमारा हम सब लोग मिलकर चला रहे हैं कि लर्निंग विथ अर्निंग, केवल लर्निंग बाय डूइंग से काम नहीं चलेगा, लर्निंग विथ अर्निंग भी होनी चाहिए, क्योंकि हम सब ने एक ऐसी पीढ़ी पैदा कर दी है, मैं खुद उसका हिस्सेदार भी हूं, एक ऐसी पीढ़ी पैदा कर दी है कि जहां पर शिक्षा का मतलब ही हो गया श्रम से दूरी, हम एक ऐसे मैकेनिज्म में आकर के खड़े हो गए हैं कि जहां अब मैं प्रिंसिपल हो गया तो अब मैं कोई काम नहीं कर सकता, और ये जो नौकरशाही हायरार्की जो खड़ी हुई है कि जो नीचे उस काम के लिए लगाया गया है सेवा भाव के लिए, उसको भी लगता है कि अगर मैं एक गिलास पानी पिला रहा हूं तो मेरी तौहीनी हो रही है, वो भी बार बार यही चाहता है कि अवसर मिले तो प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठ जाए। यानी शिक्षा संस्थाओं में भी जो हायरार्की आई, और उस हायरार्की से मुझे अब कोई आपत्ति नहीं है, मेरी आपत्ति दो बातों से है कि एक तो हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था में श्रम को हमने सम्मान देना बंद कर दिया, और दूसरी जो आध्यात्मिकता थी उस आध्यात्मिकता को खारिज करने का एक लंबा षड्यंत्र किया गया। अगर ये दो चीजें हम खड़ी कर दिए तो मान के चलिए कि इंडिया से भारत की ओर की जो सोच है वह हमारा पाथे पूरा हो जाएगा। जब मैं कह रहा हूं कि आध्यात्मिक चेतना ला दिए शिक्षा में, आध्यात्मिक मतलब एक दो उदाहरण दूंगा, और जब मैं उदाहरण दे रहा हूं तो मैं उससे अपने आप को जोड़ के कह रहा हूं, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं उससे अलग हूं। जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, घटना का जिक्र नहीं करूंगा खराब लगेगा, मैं क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा और मैं सोचूंगा कि मेरा बच्चा सबसे अच्छी पढ़ाई पढ़ेगा। जिस दिन मैंने सोच लिया कि ये क्लास में जो बच्चे हैं वो मेरे बच्चे हैं,
उसी दिन मेरे बच्चे की चिंता खत्म हो जाएगी। हम शिक्षा के ऐसे भंवर जाल में उलझते चले गए हैं, कहा ही जाता है। हमारे यहां दिल्ली विश्वविद्यालय में जब मैं पढ़ रहा था तो एक बड़ा नाम है, नाम ले लेना भी कोई बुराई नहीं है, अब नहीं रहे, प्रोफेसर नामवर से, उनकी बेटी की नियुक्ति हुई थी और एक उन्हीं के समकक्ष गुरु थे प्रोफेसर मैनेजर पांडे जी। उन्होंने भरे मन से, घटना मुझे 30-35 साल पुरानी है, भरे मन से उन्होंने कहा था कि एक हमारी परंपरा रही है जिसमें गुरु की परंपरा उसके शिष्य के माध्यम से चलती है, अब वो परंपरा थोड़ी विचलित हो गई है, अब गुरु की परंपरा उसका बेटा उसकी बेटी चलाते हैं। ये तगड़ा हमला था, यद्यपि दोनों की वैचारिकी एक थी, दोनों एक ही मंच पे थे। जब मैं इस बात को कह रहा हूं तो मैं फिर वहीं पर ले जा रहा हूं आपको कि हम सबको आपके हाथों में देश का भविष्य है, और देश नहीं मैं कह रहा हूं, पूरे समाज का और आपका स्वयं का भविष्य है। अगर उन बच्चों से आत्मीयता, उन बच्चों से आपने आध्यात्मिक रिश्ता बना लिया तो मान के चलिए कि आधी सफलता तो आपको मिल ही जाएगी, क्योंकि आपको खूब पता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए, मेरा भविष्य कैसा चाहिए, यह हमको तो पता है। बस उसको हम आध्यात्मिक चेतना के धरातल पर अगर हम बच्चे से एक ऐसा आत्मीय रिश्ता बना लिए कि उस बच्चे को श्रम की महत्ता भी समझानी होगी, उस बच्चे को जब श्रम की महत्ता समझाएंगे तो लर्निंग विद अर्निंग भी हो जाएगा। एक बात का कि मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, मुझे भी पढ़े हुए कोई 5-6 दशक 10 दशक नहीं हुए, मैं 5वीं 6वीं दशक का व्यक्ति नहीं हूं, मैं 80 के दशक का व्यक्ति हूं। छोटा था, मैं ननिहाल गया था, मुझे खिलाना उलाना जानवरों को उतना नहीं आता, थोड़ा बहुत घर में काम करते थे, मेरे पिता प्रिंसिपल थे लेकिन काम करते थे, गोबर उठाना मुझे आता था, ये सब काम था, बड़े शौक से हम लोग जो करते थे। ननिहाल गया, मेरे नाना ने पूछा तुम ये बता सकते हो कि ये जो गऊ माता है इनका पेट भर गया है कि नहीं, हमने कहा ये तो नहीं बता सकता, तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो इनका पेट अभी खाली है और पेट भर जाएगा। उस दिन मैंने सीख लिया कि अगर गौ माता को खिलाना है यानी किसी पशुपालन करना है तो उसका पेट कैसे भरा है ये पता चलेगा, वो बताएगा नहीं लेकिन हम जान जाएंगे। ये कौशल युक्त जो हमारी शिक्षा थी, जो हमारे घरों में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में थी, हमको श्रम करने में कोई तवहीनी नहीं महसूस होती थी, अब वही चीज टूट गई है। हम सब आप अगर हम सब मिलकर के यह संकल्प लेंगे कि हम बच्चों में उनके क्योंकि आपके पास जो बच्चे जा रहे हैं ग्रोइंग एज के हैं, अभी बहुत सारे बच्चे जा रहे होंगे जो आपके फाउंडेशन कोर्स में जाएंगे, उनका तो मस्तिष्क भी विकास की प्रक्रिया में है, 5 वर्ष तक माना ही जाता है कि उसका भौतिक मस्तिष्क विकसित होता है। आपने यदि उनके मन में श्रम के प्रति प्रतिष्ठा ले आदि तो मान के चलिए कि ये पूरी दुनिया में बड़ा परिवर्तन खड़ा होगा। जय हिंद, जय भारत, जय सुखी।